हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन मेहता, यू आर एसएस टीचर. एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द कंटेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज द पार्ट ऑफ द चैप्टर 6 इन सिविक्स, पॉलिटिकल पार्टीज. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. डेमोक्रेसीज दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज that are present in only one of the federal units and parties that are present in several or all units of the federation. World में जहाँ जहाँ democracy है और उन democracy में जहाँ जहाँ federal system है, यानी संघीय व्यवस्था है, वहाँ पर दो प्रकार के राजनीतिक दल पाए जाते हैं. चाहे वो एक स्तर पर पाए जाएं, यानी केंद्रीय सरकार के रूप में एक जो है मेन एक नेशनल लेवल का पॉलिटिकल पार्टी हो, या फिर हो सकता है कि वो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हों. फेडरेशन के अंडर में इस टाइप के दो जो है क्या पाए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं, यानी राजनीतिक दल पाए जाते हैं. एक होता है केंद्रीय राजनीतिक दल, दूसरा होता है राज्य स्तर पर पाए जाने वाला राजनीतिक दल. तो आपने देखा यहाँ पर कि दो प्रकार के राजनीतिक दल पाए जाते हैं. दिस इज़ द केस इन इंडिया एज वेल, यही केस हमारे भारत पर भी लागू होता है. देर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज, यहाँ पर कुछ ऐसी हैं जो पूरे देश के अंदर अपना प्रभाव बनाए हुए हैं, विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टी, जिन्हें हम राष्ट्रीय दल कहते हैं. दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स. इन पार्टीज का, इन दलों का जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हैं, उनकी कुछ यूनिट्स अलग अलग स्टेट्स में भी हैं, यानी उनकी कुछ शाखाएं या फिर उनका सब पार्ट जो होती हैं, यानी दूसरे स्टेट के अंदर भी उनके विंग बने हुए हैं. दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, बट बाई एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल. और अगर हम कुल मिलाकर बात करें, बाई एंड ऑल लार्ज का मीनिंग है यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम बात करें, तो ये जो जितनी भी अलग अलग स्टेट में किसी भी राष्ट्रीय दल की शाखाएं हैं, ये वही नीतियों का अनुसरण करती हैं, वही योजनाएं लागू करती हैं और वही नीतियाँ बनाती और डिसाइड करती हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जो एक नेशनल पार्टी होती है वो डिसाइड करती है. यानी यहाँ पर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो होगी, जिसकी ये ब्रांचेज हैं, ये जो नेशनल पार्टी है, ये जो भी फैसला लेगी, स्ट्रेटजी बनाएगी या कोई भी पॉलिसी बनाएगी, उसी को सेम ये फॉलो करेंगी जो कि दूसरे स्टेट्स में वहाँ पर उनका विंग बना हुआ या उनकी ब्रांच है, यानी राज्य स्तर पर उनका जो दल बना हुआ है. एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, हर राजनीतिक दल को अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करवाना पड़ता है. किसके थ्रू? इलेक्शन कमीशन के थ्रू, यानी चुनाव आयोग इनको एक बार जो है इनका रजिस्ट्रेशन करता है. वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड इस्टेब्लिश पार्टीज. जब ये चुनाव आयोग, वैसे तो सभी राजनीतिक दलों को एक समान रूप से इनके साथ व्यवहार करता है, लेकिन फिर भी कुछ खास सुविधाएं दी जाती हैं उन दलों को जो कि बड़े हैं और जो कि बहुत पुराने हैं, इस्टेब्लिश पार्टीज हैं, यानी बहुत पुराने समय से बनी हुई हैं, तो उनको खास सुविधाएं भी दी गई हैं. दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल, और वो सुविधाएं क्या हैं, इन्हें एक अलग प्रकार का अनोखा चुनाव चिन्ह प्रदान करना, जो कि पहले से इनको एक टाइप से ये लगा लीजिए कि दे दिया गया है और वही सिंबल वो यूज करती आ रही हैं अब तक. ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल, सिर्फ उस जो सिंबल दिया गया है उसको इलेक्शन कमीशन के थ्रू, उस सिंबल का यूज उस पार्टी के मेंबर्स ही कर सकते हैं और कोई इस सिंबल को यूज नहीं कर सकता. पार्टीज दैट गेट द दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज, और किस जिस भी दल को ये खास सुविधा दी गई है या कुछ और प्रकार की जो खास सुविधाएं दी गई हैं, इनको हम कहते हैं इनको मान्यता किसने दी है, इलेक्शन कमीशन ने दी है फॉर दिस पर्पज, क्योंकि वो बहुत पुरानी है और उनका एक बेस बना हुआ है शुरुआत से, और ऐसे में जो
जो स्पेशल प्रिविलेज है सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो लार्ज पार्टीज हैं या जो एस्टेब्लिश्ड हैं। दैट इज व्हाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। अब इनको चुनाव आयोग ने मान्यता दी है इसलिए इन्हें रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज भी कहा जाता है, यानी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भी कहा जाता है। द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट ए पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी अ रिकॉग्नाइज पार्टी। अब यहाँ किसी भी दल को मान्यता प्राप्त दल कब कहा जा सकता है, ये कंडीशन है उसके लिए कि चुनाव आयोग ने कहा है, एक बड़ा सा एक एक टाइप से विवरण दिया है इस चीज़ के लिए कि कितने वोट्स उस राजनीतिक दल को मिलने चाहिए, कितनी सीट्स उस राजनीतिक दल के पास होनी चाहिए, किसके लिए, ताकि वो मान्यता प्राप्त दल कहला सके। मान्यता प्राप्त दल कहलाने के लिए कुछ सीट्स और कुछ परसेंटेज का रेशो बताया गया है, यहाँ पर उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी। ये तो आ गया स्टेट पार्टी की डिस्क्रिप्शन की वो रिकॉग्नाइज कब होगी। जो भी राज्य स्तर पर दल पाए जाते हैं अगर वो 6% वोट अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में जीत लेते हैं या फिर सिर्फ 2 सीट भी उनके खाते में आ जाती हैं तो हम मानते हैं कि वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज है, यानी उसे इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज कर देगा। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। और लोकसभा के इलेक्शन के में अगर किसी राष्ट्रीय स्तर के जो दल हैं उनको अगर 6% वोट मिल जाते हैं या असेंबली इलेक्शन में अगर 4 जो स्टेट्स हैं वहाँ पर उन्हें ये चाहे तो वो पूरे देश में 6% वोट ले लें और चाहे 4 स्टेट्स के अंदर ही उसको 6% वोट्स अगर मिल जाते हैं एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा और 4 सीटें भी मिल जाएं लोकसभा में, ये तो हम उसको एक राष्ट्रीय दल का नाम देते हैं, यानी चुनाव आयोग उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आया स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी में, स्टेट पार्टी को करना है क्या 6% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में स्कोर करना है और इसके साथ साथ 2 सीट्स भी रिजर्व करनी है, यानी जीतनी है किसी भी हाल में अगर वो रिकॉग्नाइज होना चाहती है एज ए स्टेट पार्टी। और अगर नेशनल पार्टी की बात करें तो उसको 6% वोट इन लोकसभा इलेक्शन चाहे तो ओवरऑल कंट्री में और चाहे 4 स्टेट्स के अंदर से 6% वोट मिल जाएं और प्लस उसको 4 सीट्स लोकसभा की मस्ट हैं उसको जीतनी पड़ेंगी अगर वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बने रहना चाहती है। तो ये तो थी कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन देर वर 6 नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टीज इन द कंट्री इन 2006। 2006 में इस वर्गीकरण के अनुसार भारत के अंदर 6 मान्यता प्राप्त दल थे लेकिन आजकल 8 हैं बेटा। लेट अस लर्न समथिंग अबाउट ईच ऑफ दीज पार्टी। अब मैं आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन समझाने जा रही हूँ बच्चे, कि आप ध्यान से देखिएगा ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है और समटाइम से 1 और 2 को कंपेयर करके भी पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला जो सबसे पहला हमारा राष्ट्रीय दल है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, मतलब ये सबसे पुराना दल है और A.O. ह्यूम ने इसको इसके फाउंडर कहलाते हैं। 1885 में इसको उन्होंने इस दल की स्थापना की थी और हैज एक्सपीरियंस मैनी सप्लिट्स, हालांकि इसका बहुत पुराना जो बेस है लेकिन इसको कई बार विभाजन का सामना भी करना पड़ा, यानी इसी में से निकलकर 2-3 दल और भी बने हैं। तो प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स। कई दशकों तक इस राष्ट्रीय दल ने राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर पॉलिटिक्स में अपना प्रभाव छोड़ा है आज़ादी के बाद से। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी सोट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में इस राजनीतिक दल ने अपनी जो एक एजेंडा बना रखा है कि वो क्या करेंगे अगर उनकी सरकार आती है, तो वो मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया बनाना चाहते हैं, यानी धर्म निरपेक्ष, धर्म के नाम पर जहाँ पर भेदभाव ना हो, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश के रूप में भारत को स्थापित करना चाहते थे। और रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1982
1989। इनका रूल जो है बेटा आज़ादी के बाद से 1977 तक तो बना रहा, फिर बीच में गैप आ गया, दूसरी पार्टी का रूल आया, और जब 1980 में फिर से वापस आए और 1989 तक इसका फिर बना रहा। फिर आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन, इनका जो सपोर्ट है वो कम होता चला गया, बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन फिर भी ये पूरे देश के अंदर जो है अपने आप को या अपना एग्जिस्टेंस को बनाए रखा। इन्होंने कटिंग अक्रॉस सोशल डिविजन से इन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपना स्थान जो है बनाए रखा। सेंट्रलिस्ट पार्टी, नीदर राइटिस्ट नोट लेफ्टिस्ट, ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी बनकर रह गई, यानी केंद्रीय दल बनकर रह गया, और ना तो ये वामपंथी हैं और ना ही ये क्या हैं, दक्षिणपंथी हैं। तो अभी आपने ये देखिए कि ये ठीक बीच की स्थिति में है, ना तो ये वामपंथियों की विचारधारा से सहमत है और ना ही ये राइटेस्ट पर्सन के जो लीडर्स होते हैं उनकी विचारधारा से सहमत है। ये सिर्फ अपनी एक स्ट्रेटजी बनाकर शुरुआत से चले आ रहे हैं। इनकी आइडियोलॉजिकल जो ओरिएंटेशन है, यानी इनकी जो पहचान है, वो इनकी सेकुलरिज्म की वजह से है, यानी धर्मनिरपेक्षता की वजह से है, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन और कमज़ोर वर्ग के उत्थान की वजह से है, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देते हैं ये, स्पोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और नए नए जो आर्थिक सुधार के कार्य होते हैं उन्हें फेवर करते हैं, विद ए ह्यूमन फेस, और इसमें स्पेशली एक ही ह्यूमन फेस को या एक ही फैमिली के मेम्बर्स को हाईलाइट किया जाता है। अमर्ज एज अ लार्जेस्ट पार्टी विद 145 मेंबर्स ऑफ इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2004 में जब इनकी सरकार थी बनी थी, लोकसभा के इलेक्शन में इनको 145 मेंबर इनके जीत कर आए। करंटली लीड्स द रूलिंग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। अभी ये पुरानी बुक है बेटा मेरे पास, लेकिन 2014 तक इनका रूल बना रहा और इन्होंने एक यूपीए संगठन बनाया। यूपीए कौन सा होता है बेटा, यहाँ पर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी संयुक्त यहाँ पे कह सकते हैं विकासशील एक गठबंधन गुट कहा जा सकता है इसको। तो सेंट्रल लेवल पर इनकी गवर्नमेंट बनी रही। अब है हमारा सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, बीजेपी जिसे कहा गया है, 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी और उसी भारतीय जनसंघ के साथ आगे चलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक स्ट्रोंग नेशन बनाना चाहती है भारत को और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ एनिशियंट कल्चर और वैल्यूज को भी इम्पोर्टेंस देती है। कल्चरल जो नेशनलिज्म है, यानी हिंदुत्व के ऊपर इसका फोकस ज़्यादा है, हिंदुओं के राइज के लिए ये काम करती हैं, और इसके साथ साथ ये इंडियन नेशनहुड और पॉलिटिक्स के कंसेप्ट पर भी काम करती है। यानी इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हिंदुओं को एक जो है मुख्य तत्व बनाना इस तरीके का कि वो देश से प्यार करें, और राजनीति में भी वो इस चीज़ की झलक दिखाई देती है। वॉन्ट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। बुक पुरानी है, मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ, ये जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन करना चाहते थे और ये किया भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जेंस जो होता है बेटा, ये देखिए धार्मिक जो धर्मांतरण होता है, धर्म परिवर्तन जो करवाया जाता है, इसके ये खिलाफ हैं। प्लस ये एक सिविल कोड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एक जैसा, जो सब भारतीयों के लिए एक समान लागू हो, यानी समानता स्थापित करना चाहते हैं। इट्स स्पोर्ट्स बेस इंक्रीज सब्सटांशली इन 1990 में, हालांकि इन्हें अच्छा फेवर मिलने लगा था पब्लिक का। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ, पहले ये सिर्फ लिमिटेड, इनके कुछ ही सीटें इनको मिल पाती थी नॉर्थ डायरेक्शन में और वेस्ट डायरेक्शन में और अर्बन एरियाज में। फिर पार्टी ने एक्सपेंड किया अपने आप को साउथ डायरेक्शन की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ भी और रूरल एरियाज में भी। अब ये जो पावर है इसकी, एक देखिए इसने भी अपना एक ग्रुप बनाया 1998 में, लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंक्लूडिंग सेवरल स्टेट एंड रीजनल पार्टीज, कई और रीजनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज के साथ मिलकर एनडीए नामक ग्रुप बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन।
तो ये जो दल है, ये जो इनका ग्रुप बना, ये मिलकर चुनाव लड़ते हैं और जितनी भी सीटें आती हैं मिलकर सरकार बनाते हैं। तो आप अभी भी देख पा रहे हैं इस चीज़ का रोल है। लोस्ट इलेक्शंस इन 2004, हालांकि ये 2004 में हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद आप देख पा रहे हैं 2014 से इनकी ही सरकार चली आ रही है। इज़ द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। जब ये मेजोरिटी में नहीं होती तो ये अपोजिशन पार्टी के रूप में काम कर रही थी कांग्रेस के खिलाफ, और अब जब इनकी खुद की सरकार है तो कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है या जो उसका अलायंस है वो अपोजिशन पार्टी के रूप में रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट है बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी आपको पता ही है 1984 में इसका फाउंडेशन हुआ था और कांशी राम जो थे उन्होंने किया था। सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स द दलित, आदिवासी, जो ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। इनका मुख्य मकसद है दलितों का उत्थान, आदिवासियों के लिए काम करना, ओबीसी का उत्थान और धार्मिकता के आधार पर जो कम संख्या में लोग हैं उनको ऊपर उठाना, उनके वेलबींग के लिए प्लान्स बनाना। ड्रोज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज ऑफ टीचिंग ऑफ साहू महाराज। इन काशीराम को प्रेरणा मिली साहू महाराज से, महात्मा फूले से, पेरियार रामास्वामी से, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं कास्ट सिस्टम के अपोज करने वाले लोगों में से, और बाबा साहब अम्बेडकर जी से, क्योंकि इनके हिसाब से पब्लिक का, दलितों का उत्थान किए बिना, दमितों का उत्थान किए बिना देश का उत्थान नहीं हो सकता। इट हैज इट्स ओन मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इनका जो है मेन बेस है, जो कि मायावती के अंडर में आजकल चल रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, ये इससे जुड़े हुए, इनमें भी इनकी विंग और इनकी ब्रांचेज हैं। वहाँ पर भी इनके स्टेट लेवल के जो है इनके विंग बने हुए हैं, जहाँ से ये अपने इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स को उतारते हैं। वो अलग बात है कि इनको वहाँ पर कितनी सीटें मिलती हैं। तो लोकसभा इलेक्शन में जो कि 2004 में हुए थे उसमें 5% वोट्स ये सिक्योर कर पाए थे, यानी टोटल जो है 19 सीट से लोकसभा के इलेक्शन में 2004 में बहुजन समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो ये हुआ बेटा अभी इसका। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है बेटा 1925 में इसको बनाया गया था एम एन रॉय ने और उसके कुछ साथियों ने मिलकर इसको बनाया था। ये कार्ल मार्क्स और लेनिन के जो विचारधारा से प्रभावित लोग थे, इन्होंने सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के को अपना मेन एजेंडा बनाया कि देश के अंदर धार्मिक रूप से सभी बराबर रहेंगे और लोकतंत्र की स्थापना अच्छे से की जाएगी अगर हमारा रूल आ जाता है। तो ये इनकी विचारधारा है। अपोज टू द फोर्सेज ऑफ सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म। ये बेटा इंपीरियलिज्म और सक्सेशनिज्म होता है कि एक के बाद एक परिवार का जो शासन आता है उसको, उसके खिलाफ हैं या फिर जातिगत संकीर्णताओं के खिलाफ हैं। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास। ये वर्किंग क्लास के जो संसदीय ढांचा होता है लोकतंत्र के अंदर, जैसे संसद होती है उसके, उसमें बिलीव करते हैं। वर्किंग क्लास, फार्मर्स और पुअर्स के प्रमोशन के लिए काम करती है ये पार्टी। बिकेम वीक, ये कमज़ोर तब हुई जब इसका बंटवारा हो गया, यानी ये पार्टी दो टुकड़ों में बट गई। 1964 में इससे अलग होकर CPIM बनाई गई, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसका मेन एग्जिस्टेंस कहाँ पर है, केरल और वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अंदर है। इट्स स्पोर्ट्स बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। समय बीतने के साथ साथ इसका थोड़ा सपोर्ट कम होता जा रहा है। हालांकि 2004 में इसको 1.4% वोट मिले थे लोकसभा में के इलेक्शन में, और ये जो है बेटा सभी लेफ्ट पार्टीज के साथ मिलकर पावर में आने की इसने कोशिश की थी। लेफ्ट पार्टीज जो लेफ्ट फ्रंट के पार्टीज हैं जो कि वेस्ट बंगाल की साइड हैं। करंटली स्पोर्ट्स, ये अभी भी UPA जो एक कोलिशन बना है, अलायंस बना है, उसका पार्ट है। तो आपने देखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट आपको मैं बता चुकी हूँ। कार्ल मार्क्स का विचारधारा पर तो जो है CPIM भी बेस्ड है। 1964 में CPI से अलग होकर इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया था। तो इनका मेन क्या है, ये सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, और ये साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ हैं।
और ये कम्युनलिज्म के खिलाफ हैं, एक्सेप्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स, ये लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया को बहुत उपयोगी समझते हैं क्योंकि इसके जरिए सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना भारत में की जा सकती है। और स्पेशली ये फेवर इनका जो मेन बेस है CPIM का वेस्ट बंगाल, केरल और त्रिपुरा में है। और ये पुअर पर्संस जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल जो लेबरर्स हैं, और यहाँ पर जो इंटेलिजेंसिया यानी विद्वान लोग हैं उनको फेवर करते हैं, उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करवाते हैं या उनके लिए पॉलिसी फ्रेम करवाने में गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, ये विदेशी निवेश के खिलाफ हैं और ये देश के अंदर जो है उस टाइप की चीज़ों के भी खिलाफ हैं जो देश से बाहर से मंगवाई जाती हैं। हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट ए ब्रेक, बिना कोई ब्रेक लिए 30 साल से वेस्ट बंगाल में इनका एक जो है होल्ड बना हुआ है। 2004 के इलेक्शन में इनको 6% वोट मिले थे, यानी 43 सीट से लोकसभा के इलेक्शन में ये इन्होंने विन की थी। करंटली स्पोर्ट्स UPA गवर्नमेंट, ये भी अभी तक ये UPA का ही पार्ट हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वाली पार्टी भी किसका पार्ट है, UPA का, जैसे कि दूसरी पार्टी है CPI। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे आज कितने 1, 2, 3, 4, 5 पार्टीज़ के बारे में मैंने बताया। अगली वीडियो में मैं आपको जो रह गई हैं पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल लेवल की उनके बारे में डिस्क्राइब करूंगी। थैंक यू।